एक पांव पर पढ़ाई की चाहत रखने वाला गरीब का बेटा बिहार के दरभंगा जिला में राजकीय मध्य विद्यालय कबीरपुर में एक ऐसा स्टूडेंट है जो जिला लेवल पर दौड़ सकता है। कई सारे मेडल मिले हुए हैं। स्कूल के प्राध्यापक ने बताया कि यह लड़का काफी ब्रिलियंट है और खासकर अगर इन्हें जिला लेवल पर कई प्रतियोगिता भी भाग लिए हैं। जिला प्रशासन जैसे बिहार सरकार से निवेदन करते हुए उन्होंने बताया कि आगे चलकर हम बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं। बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर इस बच्चे को सरकारी लाभ से लेकर आगे की पढ़ाई की खर्चा भी उठाए, जो कि यह गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। विकलांग होने के बावजूद भी आगे पढ़ने की चाहत रखने वाला इस गरीब के बच्चे को सरकारी सुविधा मिलना चाहिए। प्रधान अध्यापक रंजीत झा ने बताया कि हमारा स्कूल का मकान जर्जर हो चुका है, जिसमें काफी बच्चे नीचे में बैठकर पढ़ाई करते हैं। अगर कभी कोई आपदा होती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? खासकर उन्होंने इस स्कूल की सुविधाओं पर बताया, यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बच्चों को बैठने के लिए टेबल कुर्सी की व्यवस्था नहीं है, जिससे दरभंगा शिक्षा अधिकारी को ध्यान देने की जरूरत है। जहां मौके पर भीम आर्मी के विधायक प्रत्याशी रोहित पासवान, अनेक शिक्षकगण एवं ग्रामीण मौजूद थे। आज हम बात करेंगे बिहार में जो खास करके शिक्षा व्यवस्था को लेकर है। तो इस वक्त हम मौजूद है बिहार के दरभंगा जिला के कबीरपुर में और यहाँ पे एक स्कूल का हम जर्जर व्यवस्था आपको दिखलाने वाले हैं कि बहुत सारे स्कूल पे जाते हैं, लेकिन ये मकान आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो मकान है, जिला प्रशासन को जल्द से जल्द इसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो गरीब के बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं, अमीर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। कम से कम इन लोग से ध्यान देना चाहिए जिला प्रशासन और शिक्षा अधिकारी को, जो इस जर्जर मकान को जल्द से जल्द सरकार नए भवन का निर्माण करे यहाँ पे। और हम आप चाहेंगे कि सर थोड़ा इधर आइए और बच्चे को भी दिखाना चाहेंगे। देखिए इस बात आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे जिस तरह से बेंच डेस्क की कमी है, आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे जर्जर मकान है। इस जर्जर मकान में सर इधर दिखाइए, जर्जर मकान में ये बच्चे जो है सर इधर दिखाइए तो नीचे, ये लोग देश के भविष्य है, आने वाले भविष्य है और ये गरीब के बच्चे हैं। खासकर इन्हें सुझाव मिलना चाहिए और इस गरीब के बच्चे ही एक आईएएस ऑफिसर और जिला के अधिकारी बनेंगे। और इसलिए सर राणा व्यापक जी से भी मैं कहना चाहूंगा खासतौर से और जिला प्रशासन से भी, गरीब के सब बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, अमीर के बच्चे नहीं, कम से कम इस पर ध्यान दें और जिला प्रशासन खासकर इस बात को जल्द से जल्द संज्ञान में लें और नए भवन का निर्माण करें। पंचा दरभंगा के, क्या नाम हो बाबू? कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो? सिक्स क्लास में। और ये क्लास आते हो? क्लास रोज आते हो? पढ़ाई होती है अच्छा से? सर जो है सो सुविधा मिलती है सरकार की तरफ से, जो कुछ मिलता है सर कोऑपरेट करते हैं सर अच्छा से? क्या नाम हुआ पिताजी का? नाम कहाँ हुआ आप? प्रखंड, कौन से प्रखंड के रहने वाले हैं? बहुत जगह देखे, लेकिन ऐसा आपके स्कूल में आने से लगा कि आपके बच्चे जो हैं इस तरह से विकलांग होने के बावजूद भी आए हैं आपके स्कूल में, बच्चे में कुछ अलग देखने को मिला, ड्रेस कोड हो या बच्चे में व्यवहारता हो, कुछ अलग देखने को सर मिला है, तो सर क्या कहना चाहेंगे इस विषय में और इस बच्चे को लेकर खास तौर से? जब से मैंने देखा बहुत खुशी हुई कि अपने एक ही टाइम से ये बच्चे रोज विद्यालय आ जाते हैं और समय से विद्यालय में जाते हैं। हम लोग जो हमेशा प्रयास किए इनके सुविधा उत्पन्न हो, इसलिए गवर्नमेंट का जो प्रदत्त सामग्री है हमेशा उसको प्राप्त हुआ है। ये विभिन्न प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं और ये विजेता भी है, इसके पास जो है ऐसा सर्टिफिकेट है, जैसे कोई दौड़ प्रतियोगिता है उसमें खिलाड़ी भी जीता है, ऐसा अच्छा लगता है। क्या बनना है बाबू आगे चल के, क्या पढ़ के क्या बनना चाहते हो? क्या बोले? बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं। बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं, अरे बहुत खुशी हुई देखकर, आगे बढ़े आप, यही मेरी शुभकामना है। और सर दूसरा ये था कि सरकार के जिला अधिकारी के द्वारा या दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा क्या इस बच्चे को जो सुविधा मिल रही है? इसका हम हमारे डिपार्टमेंट जो विभाग है माननीय जो वहाँ से हम लोग रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट करने के बाद कई बार खेत पर गया हुआ है, वहाँ सारे पदाधिकारी को देखे हुए हैं, दौड़ते हुए देखे हैं,
सुविधा के नाम पर जो गवर्नमेंट देती है, इनको ट्राईसाइकिल मिला है और कुछ मंथली पैसा ही मिलता है, सालाना खेल साल में कुछ पैसा इनको मिलता है और ट्राईसाइकिल मिला है। कौन सा स्कूल हुआ सर ये? मध्य विद्यालय कमिल। आपका नाम सुर सर? रंजीत कुमार जी।